प्रहलाद सिंह पटेल, वो हमारे साथ जुड़ गए आज के इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से इसको देखते हैं? मैं नई जिम्मेदारी को नियति के साथ जोड़ता हूँ। आज सदैव अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है, मोदी सरकार इसे सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, सदन छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती। सदन के भीतर मर्यादित रहिए, सदन के बाहर आप जनप्रतिनिधि हों या ना हों, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते सुशासन के लिए काम करते रहिए, तो गरीब और ज़रूरतमंद को ज़रूर न्याय मिलेगा, ये अटल जी बोलते थे। आज मैंने उसी दिन मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं मोदी जी की उन निष्ठाओं पर जरूर कहूँगा जो उन्हें रोड मैप के तहत देश के सामने रखा है, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, हमारे युवाओं का जीवन हमसे बेहतर हो, किसान जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उसे कीमत भी सही मिले और सम्मान भी मिले। तो मुझे लगता है कि जो तीसरा बड़ा संकल्प हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश एक ऐसे भूगोल पर स्थित है जिसके पास में संसाधन और संभावनाएं दोनों हैं, हम देश के राज्यों की सूची पर नंबर एक के स्थान पर पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जो टीम आज बनी है ये निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। आपने प्रहलाद जी मध्य प्रदेश को बहुत ही करीब से देखा है, आपने नर्मदा की परिक्रमा भी की है, बहुत लंबी परिक्रमा होती है, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के लिए क्या पहली प्राथमिकताएं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि माँ नर्मदा हमारी जीवन रेखा है, और इसलिए मैं राज्य के लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि सरकार भर नहीं, हम सब माँ नर्मदा से लेना तो जानते हैं लेकिन देने की कोशिश नहीं करते। हम अच्छे पर्यावरण, सुंदर बाघों को रखने वाले लोग हैं, बायोडायवर्सिटी हमारे पास में है, जो जीव विविधता है वो आज दुनिया में मानी जाती है। मिलेट से इसको हम सीरियन कहते हैं, उसका हम बड़ा हिस्सा दुनिया में देश रखता है 40%, लेकिन मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य है उसके उत्पादन में। इसका इसलिए अंत मैंने कहा कि ये संभावनाओं वाला देश है, पर्यावरण के साथ वो सारी चीज़ें हम रखते हैं जिसके आधार पर हम स्वावलंबी होकर अपनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। जी, तो आज जो ये मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है प्रहलाद जी, इसमें आपके हिसाब से क्या क्या खास बातें हैं, क्या ध्यान रखा गया है, क्या पैमाना था जिसके चलते मंत्रियों का चयन किया गया है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा प्रयोग करता रहता है, और वो प्रयोग सफल प्रयोग होते हैं। अनुभव और नौजवानों की ऊर्जा दोनों मिलकर राज्य को गति भी देगी, प्रगति भी देगी, और जो लक्ष्य हम तय करेंगे उसे हासिल भी कर पाएंगे। तो टीम वर्क है, संतुलित टीम है, इसमें ऊर्जावान और अनुभवी दोनों लोग हैं, हम अच्छा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके खुद की बात करने प्रहलाद जी, आप केंद्र में अभी तक मंत्री थे, अब राज्य में मंत्री बना दिए गए, क्या है कि निराशा का भाव है कि आप केंद्र के बजाय अब राज्य की राजनीति में आ गए? मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो नेता हैं सदैव अटल बिहारी वाजपेयी हमारे, वो कहते ही थे कि जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है कि आनंद के साथ में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, और मैं पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ अपने जिम्मेदारी के पुनर्निर्वहन का संकल्प व्यक्त करता हूँ। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं कि जो केंद्रीय मंत्री हो वो राज्य के चुनाव लड़े, लेकिन ये बीजेपी ने प्रयोग किया था इस विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में, आप किस तरह से देखते हैं इस प्रयोग को? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती थी और सामूहिक नेतृत्व से फैसले करती रही है, इस बार भी सामूहिक नेतृत्व जनता के सामने था, लोगों ने उस संकल्प का सम्मान किया, और हम मेरे जैसा अदना सा कार्यकर्ता बोलता था, मैं 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में देख रहा हूँ, और वो सच साबित हुई। तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है, सामूहिक निर्णय करने का, सामूहिक नेतृत्व करने का, ये जनता को रास आता है। अब लोकसभा चुनाव प्रहलाद जी सिर पर हैं, 3 महीने ही बचे हैं, क्या तैयारी है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए सबसे पहले वही होगी लोकसभा चुनाव की।
भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में हम 29 में से 28 सीट जीत चुके थे, एक सीट हमारे पास नहीं थी। हमारा सबकी कोशिश और संकल्प होगा कि हम उसको भी हासिल करें। और आपकी स्वयं की क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं को साथ मिलाकर आपको चलना है? सदैव भारत सरकार हमेशा राज्यों को मदद देती रही है। अभी भी मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूँ कि 5,727 करोड़ की राशि उन्होंने दी है। हम अपने वित्तीय अनुशासन की चिंता भी करेंगे, लेकिन राज्य के संकल्पों को भी पूरा करेंगे। उसमें गरीब कल्याण, वही पुनरावृत्ति है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं के हितों की चिंता है और किसान का हित, ये हमारा संकल्प है। और संसाधन हमारे पास है तो मुझे लगता है हम इसे पूरा करने में सफल होंगे। अब आखिर में शिवराज सिंह चौहान जी की बात कर लेते हैं। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने नेतृत्व किया है मध्य प्रदेश का, अभी उनकी कोई भूमिका तय नहीं हुई है, आपके हिसाब से क्या होगा, किस तरह की भूमिका उन्हें मिल सकती है? मुझे लगता है कि आज का दिन ऐसी बातें करने का नहीं है। शिवराज जी नेता हैं और वो बहुत अनुभवी नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वाभाविक है कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। हम लोगों को इससे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बधाई भी आपको मंत्री बनने के लिए प्रहलाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।